हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। एंड आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स कैसे, कौन सी कंप्लेंट्स फाइल हो सकती है और कौन कौन से ऐसे लेवल बने हुए जहां आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अपनी। हु कैन फाइल कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? अ कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एनी रिकॉग्नाइज वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन। देखो काफी बार क्या होता है, बहुत सारी एसोसिएशन बनाई दी जाती हैं जिनके थ्रू आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, जो कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कंज्यूमर कर सकता है, कोई रिकॉग्नाइज वॉलेंट्री एसोसिएशन फाइल कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर वेयर देर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट। काफी बार क्या होता है, सारी कंज्यूमर्स की सेम क्वेरी होती है, जहां पे बहुत सारे कंज्यूमर है जिनका सेम इंटरेस्ट है, वो एक साथ मिलकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, अगर किसी केस में कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ये बेसिकली है कि कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कंप्लेंट्स कैन बी फाइल, किस चीज के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं जो फेयर नहीं है, अनफेयर है, जो किसी ट्रेडर ने और सर्विस प्रोवाइडर ने ऐसी प्रैक्टिसेस दी हैं जो ठीक नहीं है, उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा गुड्स बॉट सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, आपने जो गुड्स खरीदे हैं वो कुछ डिफेक्ट है उसमें, उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। सर्विसेज हायर्ड सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी इन एनी रिस्पेक्ट, आप जैसे गुड्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ऐसी अगर सर्विस में कुछ डेफिशिएंसी हो, कुछ कमी है, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपने कुछ, फॉर एग्जांपल आपने होटल की सर्विस ली, आप उस सर्विस से सेटिस्फाई नहीं थी, आप होटल वालों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। फिर हमारा प्राइसेज दैट आर चार्ज बाय द ट्रेडर आर इन एक्सेस ऑफ द प्राइस फिक्स बाय अंडर द लॉ एंड डिस्प्लेड ऑन द गुड्स, कुछ जो आपने ट्रेडर ने आपसे जो प्राइस चार्ज करे हैं वो क्या है, एक्सेस हैं। किससे एक्सेस है, जो लॉ में प्राइस फिक्स हुए उनसे एक्सेस है, और जो उनके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है, जो उनमें मेंशन प्राइस है, उससे एक्सेस चार्ज कर लिए, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अपनी। नेक्स्ट हमारा गुड्स विच आर हजार्डियस टू द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हजार्डियस हैं किसके लिए, किसी लाइफ और सेफ्टी के लिए, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली ये कि जिन जिनके लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये वो केसेस हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कहां कंप्लेंट फाइल करनी है और कौन कौन से लेवल बने हुए हैं जहां जहां वो आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन करेंगे और आपकी कंप्लेंट को फाइल करेंगे। अब हमारे इसमें तीन केसेस हैं, अगर इफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू और कंपनसेशन की वैल्यू अगर 20 लाख से कम बन रही है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेंट फाइल करोगे। इफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कंपनसेशन जो है 20 लाख से ऊपर बन रहा है बट 1 करोड़ से नीचे बन रहा है तो आप स्टेट कमीशन में जाके फाइल करोगे। इफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन एक्सीड 1 करोड़ और अगर 1 करोड़ से ऊपर बन रहा है तो आप नेशनल कमीशन में जाके फाइल करोगे। तो ये क्या है, आपकी तीन लेवल है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस लेवल के अंडर क्या क्या आता है और कौन कौन इस लेवल के अंडर होता है, कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन है, स्टेट कमीशन क्या है और नेशनल कमीशन क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, यहाँ पे चेयरमैन होगा, टू अदर मेंबर्स, वन ऑफ शैल बी अ वुमेन, जहां पे क्या है दो और मेंबर होंगे, जहां पे क्या है वन एक वुमेन होना मैंडेटरी है, ये इनका कंपोजिशन है। फिर हमारा ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, इसमें वही बताया गया कि 20 लाख से अगर एक्सीड नहीं करता, 20 लाख से कम है तो आप कहां पे फाइल करोगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके फाइल करोगे। और फिर है हमारा थर्ड पॉइंट अपील। अपील में क्या है, इफ एनी पर्सन डज नॉट सेटिस्फाई फ्रॉम द रिस्पांस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट फोरम के रिस्पांस से सेटिस्फाई नहीं होता, उसको उसमें लगता नहीं है कि उनका रिस्पांस वैलिड है, देन ही कैन चैलेंज, उसको वो चैलेंज भी कर सकता है कहां पे, स्टेट कमीशन में जाके विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। 30 डेज के ऑर्डर के अंदर, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दिया है उसके 30 डेज के अंडर आपको जाके स्टेट कमीशन में फाइल करना पड़ेगा केस, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से खुश नहीं हो, आप कह सकते हो आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता नहीं है आपका डिसीजन जेन्युइन हुआ है, तो आप आगे जाके फर्दर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आपके पास ये पूरा राइट है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के कंपोजिशन में क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, इसमें कौन होगा, एक प्रेसिडेंट होगा एंड नॉट लेस देन टू और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स मे बी प्रिस्क्राइब, वन ऑफ होम शैल बी अ वुमेन। यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में एक चेयरमैन था, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, यहाँ पे नॉट लेस देन दो से कम नहीं एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स, और जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब्ड करे गए हैं उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसमें से एक वुमेन होनी मैंडेटरी है। कमीशन हेडेड बाय द पर्सन टू द लेवल ऑफ हाई कोर्ट जज, जो कमीशन को चलाएगा वो कौन होगा,
किस लेवल का पर्सन होगा, जो हाई कोर्ट जज के लेवल का पर्सन होगा। फिर है हमारा ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन में वही है, अगर आपका क्लेम 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है तो आप स्टेट कमीशन में जाके उसका क्वेरी रेज करोगे। नेक्स्ट है हमारा अपील। इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स ऑफ स्टेट कमीशन, अगर कोई स्टेट कमीशन के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है, ही कैन अपील टू द नेशनल कमीशन। वो नेशनल कमीशन के आगे जाके अपील कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के केस से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टेट कमीशन के केसेस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में जाके उसको चैलेंज कर सकते हो। आप अपने केस को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, फर्दर फाइल कर सकते हो। फर्दर है हमारा नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या है, एक प्रेसिडेंट होगा, नॉट लेस देन फोर से कम नहीं, नॉट मोर देन सच मेंबर, जो भी मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, वन ऑफ होम देम शैल बी अ वुमेन, और जिसमें एक वुमेन होनी मैंडेटरी है। नेशनल कमीशन जो हेड करेगा वो कौन है, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा। ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल कमीशन में जाके अपना केस रेज कर सकते हो। लास्ट हमारा अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी फाइल टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर पास। अगर आप नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट पे 30 डेज के अंडर जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन में जाते हो, स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल कमीशन में जाते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।